मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं बात करूं इसलिए चिल्ला रहे हो कि नहीं करूं इसलिए चिल्ला रहे हो। करो करो। सबसे पहली बात, यहाँ पे बैठे हुए हर शख्स अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है। yes. और बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि मैं भी एक एम्पावर का पार्ट हूँ। बड़ा दुख हो रहा है कि कई महानुभव लोगों को आज बात करने का चाहकर भी हम मौका नहीं दे पाए, इस बात का दुख हो रहा है। तो थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, सिर्फ बहुत से लोगों ने यहाँ पे स्पीचे की, एक्चुअली ट्रेनर लोगों के नाद में कोई लगता नहीं है, कारण मराठी बोला तो तोंड फाटक असत। yes, yes. तो सबसे पहला बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर बुरा नहीं लगेगा आपको तो आप लंबे समय तक इस इंडस्ट्री में जमकर रह सकते हो। yes. कई लोग बोले कि इस इंडस्ट्री में टिक्के रहेंगे, एक ही कंपनी में टिक्के रहेंगे तो करोड़पति बनेंगे। जी नहीं, टिककर कुछ नहीं होता है, एक ही कंपनी में काम करके करोड़पति बनता है। तू का टिकला है म्हणून तुला प्रोविडेंट फंड नाही देणार, त्याच्या आयला गेले 20 वर्ष तुमच्या कंपनीत आहे भाऊजी, मग काय भाऊजीचा सत्कार करायचा? तो देखो, मतलब सिंपल चीज, शादी करके, सिर्फ शादी करके कुछ होगा क्या? आगे परिवार बढ़ेगा क्या? कुछ ना कुछ कार्यक्रम करना पड़ेगा। और ये सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, क्या कार्यक्रम करने का, कैसा करने का, कब करने का, कितना टाइम करने का, ये सब ये लोग सिखाएंगे। और घनश्याम जी ने पूरा ठेका लिया है आपको लाइन पे लाने का। सभी जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी, मनसे, शिवसेना, सगळे आले हो, राष्ट्रवादी राहिले। तो ये जो बुरा लगना है ना, ये लगना नहीं चाहिए सबसे पहला, क्योंकि ट्रेनर कुछ बोलता है तो आपके भलाई के लिए बोलता है, आपसे कोई जाति दुश्मन नहीं होती। क्योंकि मुझे किस्सा याद आ रहा है, हम जो सिखाते हैं लोग वैसा सीखते नहीं है, हम बोलते हैं लोग वैसा करते नहीं है, लोग अपने हिसाब से सीखते हैं। एक ट्रेनर आया और बोला, पेड़ लगाने के लिए उसने मैसेज दिया कि मैंने तोता पाला, मैं पोपट पाला, 4 दिन में उड़ गया। मैंने चिड़िया पाली, 10 दिन में उड़ गई। फिर मैंने एक पेड़ लगाया, तोता भी आया, चिड़िया भी आई। अभी एक अच्छा मैसेज उसने दिया, यस और नो। एक आदमी बोला, एकदम परफेक्ट सर, आपका ये सुना हमने फॉलो किया। मतलब क्या? मेरे घर में चकली बनाया, पड़ोसी लेके गया। वेफर लाया, दूसरा पड़ोसी लेके गया। फिर मैंने दारू का खंबा लाया, वो चकली भी लेके आया, वो वेफर भी लेके आया। तुमने वाट लावली असं। यस यस। ये ट्रेनर, तो मैं ये जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं सबको बोल, देखो हम लोगों को 2 मिनट में बोलने को बोला है, बराबर है, लेकिन नहीं होता है 2 मिनट में, नहीं होता है। सही बात है, क्योंकि देखो यहाँ पे आप लोग जो फुल टाइमर लोग खड़े थे, दीपक शिंदे जी ने आपको खड़ा किया था, करियर लेकर अपना जिंदगी दांव पर लगाकर आए हैं। इसमें सिर्फ एक ही चीज होता है, सीटिंग, मीटिंग, डिस्कशन। क्या होता है? सीटिंग, मीटिंग और डिस्कशन। लेकिन कई लोग बाथरूम को उठ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता, अच्छी भाषण चल रहे हैं, अच्छे स्पीचेस चल रहे हैं, उसको उधर करंट आता कैसा है मुझे मालूम नहीं। तिकडे जाऊन खाजून येत असणार आणि काय ना। यहाँ पे
जगमटालिया बैठे हैं, विजय पवार साहब, शिवाजी चमकेर, अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, मैं सभी का नाम नहीं लूंगा। तो ये ट्रेनर जब बोलता है बुरा लगता है, बुरा लगता है, कई लोग इंडस्ट्री छोड़ देते हैं, कई लोग अपने डायरेक्टर को जाकर कंप्लेंट करते हैं कि ट्रेनर ने ऐसा बोला, लेकिन वो बुरा लगना नहीं है, वो सच बात करता है। क्योंकि एक गांव का एक बुजुर्ग आया अदालत में, भैंस चल रही थी गवाही के लिए, बुजुर्ग आया, बुजुर्ग आया तो एक वकील बोला, चाचा नमस्ते, बोलता मैं जानता हूं, मैं तुमको जानता हूं, तुम लल्लू राम के बेटे हो ना, जानता हूं तुम्हें, इसका बाप एक नंबर का आयाश, रोज दारू पीता था ना, औरतों का बहुत उसको नाक था। तो ये दूसरे वकील को, हाँ इसको भी जानता हूं, ये पप्पू राम का बेटा है, इसका भी बाप आयाश, वो तो तुम्हारा मतलब। तो अचानक जज उसको बोलता है, कोर्ट स्थगित कर देता है, दोनों वकीलों को चेंबर में बुलाता है और बोलता है, खबरदार खबरदार, अगर मेरे बारे में पूछे इनको जानते हो। लेकिन एक ही बात बोलूंगा, मैं घनश्याम जी की तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि इतनी इंडस्ट्री को इकट्ठा लाना, इतने अच्छा नखरे कम होते हैं ट्रेनर लोगों के, इनको संभालना मतलब बहुत मुश्किल है। और जहां पे यहां पे मैनेजमेंट के लोग बैठे हैं, नेटवर्कर बैठे हैं, आपकी खुश नसीबी है, मैं तो बोलूंगा इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज इस हॉल में बैठा है एम्पावर ट्रेनिंग के माध्यम से। कोई भी हो, कोई भी ट्रेनर हो, सीखो यार, सीखना चाहिए। अभी नायर सर का कोर्स है, अटेंड करो, दीपक शिंदे है या यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सीखना जरूरी है, बराबर है? क्योंकि सीखेगा वही जीतेगा। मेरे को दो मिनट बोलने का मौका दिया, मैं फिर से एक बार एम्पावर की तरफ से, किसी का गलती से कोई सम्मान रह गया होगा तो दिल में कुछ बुरा मत लगाना, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि इस भीड़ को कंडक्ट करना, और मैं खास करके इस शख्स के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। कारण क्या है भाई, सगळं बिल ह्याच्यावरतीच फाटणार है, त्यानं बोलवलं नाही, आमच्या नावात लोचा केला, तो ऐसा बिचारे को मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सभी को शुभकामनाएं दूंगा, जाते जाते कविता की दो पंक्तियां मैं बोलूंगा कि हमने भी जिंदगी के कई रंग देखे हैं, कभी धूप कभी छाव कभी बारिशों के संग देखे हैं, और जैसे जैसे वक्त बीता इंसानों के बदलते रंग देखे हैं। वो उन दिनों की बात है, वो उन दिनों की बात है जब हम मायूस हुआ करते थे, अपनी मायूसी का गीत लोगों को सुनाया करते थे, और अक्सर जज्बात में आकर कभी कभार आंसू बहाया करते थे। अचानक जीवन ने एक मोड़ ले लिया, हमने अपने दुखों को लोगों को बताना छोड़ दिया, अब लोगों के जीवन में भी खुशियों के रंग बोते हैं, और हमको रोना भी है तो चुपके चुपके रोते हैं। सभी को एम्पावर की माध्यम से दिल की गहराई से शुक्रिया करूंगा, कीमती वक्त निकाल कर आप आए, लेकिन प्रोग्राम एंड नहीं होता तब तक बैठे रहे। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड लक, धन्यवाद। Thank you, and I thank you all the trainers. Jordan, 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 Jordan,